नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेवंतराम डांगा और हनुमान बेनीवाल की जीत के बाद जो भाषण दुर्ग सिंह राठौड़ ने दिया, वो भाषण क्या है और उन्होंने तेजाजी महाराज के बारे में क्या बोला। क्या आपने वीडियो देखा है? एक बार वीडियो देखा तो कमेंट करके जरूर बताना। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है सोशल मीडिया के तरफ, और उन्होंने बोला है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर गलत बोला तो भी मेरे को माफ़ कर देना और एक बार ये वीडियो जरूर देखे। ये कहा कि मेले के अंदर जो 36 कौम के लोग जाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन वहां शक्ति प्रदर्शन की वजह से थोड़ा सा माहौल डरावना होता है, तो उसको हमें कम करना चाहिए। एक आनंद के साथ तेजाजी महाराज का मेला करोड़ों की संख्या में 36 कौम के द्वारा भरा। दिल दुखाओ, किसी को बुरा लगाओ, तो उन साथियों को कहना चाहूंगा इस भाषण को अच्छी तरह सुने, और मैं मेरे शब्दों को कोई गलत शब्द भी हुआ तो मैं पुनः मेरे शब्दों को वापिस लेता हूँ। शांति बनाए रखिए। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा दुर्ग सिंह ने क्या बोला है। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने बोला है कि मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन्होंने गलत बोला या नहीं बोला। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने ये भी बताया है कि एक बार वीडियो को जाके फिर से देखे और पूरा भाषण सुने, उसमें क्या गलत है क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही डायरेक्ट बोल। इनके समर्थकों का कहना है कि लोगों को रेवंतराम डांगा की जीत हजम नहीं हुई, इसलिए गलत आरोप लगा रहे। जी हाँ दोस्तों, और आप भाषण दे कि एक बार और कमेंट करके जरूर बताना कि यह रिपोर्ट सही है या गलत है। जी हाँ दोस्तों।